फिर से हमारे चैनल पर मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक यूरोप के इतिहास पर आधारित है और वहां यूरोप में भी कहा फ्रांस के इतिहास पर आधारित है और यह भी फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन वो क्रांति 1789 की क्रांति थी, फ्रांस की राज्य क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है 1789 की क्रांति का, ना सिर्फ फ्रांस के इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन आज मैं आप लोगों को 1830 की क्रांति के बारे में बताऊंगी। 1830 की क्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि 1879 की क्रांति की पूरक थी 1830 की क्रांति। फ्रांस में जो क्रांति हुई, राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की, जिसे विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इस घटना को। क्यों? क्योंकि इस घटना में हमने देखा कि किस तरह से राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र या गणतंत्र को प्रतिष्ठित करने की पहली बार इतनी मजबूती से कोशिश की गई थी। और इसका प्रभाव सिर्फ फ्रांस पे नहीं पड़ा बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। हमने देखा कि क्रांति हुई फ्रांस में, बहुत दिनों तक उथल पुथल मस्ता रहा। हमने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के इतिहास में आगमन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति के सिद्धांत का बहुत अधिक प्रचार किया। क्रांति के सिद्धांत क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस आधार पर नेपोलियन ने पूरे विश्व में, ऐसे तो हम उस समय यूरोप में वो ज्यादा प्रभावी था, पूरे विश्व में एक नए विचारधारा से लोगों को परिचित कराया। स्वतंत्रता, संप्रभुता, इन सब से लोग अब रूबरू हुए और लोगों को ये पसंद आया। क्रांति का सिद्धांत लोगों को पसंद आया क्योंकि इसके साथ ही वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी व्यवस्था से वह मुक्ति पा रहे थे। अब उनके सामने अपने विचार का महत्व था, अब मानव का महत्व था, मानववाद का महत्व था। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन 1789 की क्रांति में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने आकर उस सिद्धांत को और भी मजबूत किया और पूरे विश्व में उसे लागू करने की उसने कोशिश की। अब हम आगे जब जाते हैं तब क्या देखते हैं कि वियना कांग्रेस का समय आया। नेपोलियन के पतन के बाद हमने देखा कि किस तरह से वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि किस तरह से प्रतिक्रियावादियों ने, मतलब जो राजतंत्र समर्थक थे, कुलीन तंत्र समर्थक थे, उन लोगों ने पुनः उस पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक कांग्रेस बुलाई और वहां पर उसने नेपोलियन के जो नियम सिद्धांत या क्रांति के जो सिद्धांत थे वो सबको किनारे करके फिर से वही पुरातन व्यवस्था की स्थापना यूरोप में कर दी गई। हमने देखा कि किस तरह रूस, रशिया, इंग्लैंड और सबसे महत्वपूर्ण देश कौन था? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री था, चांसलर था मेटरनिक,
उसने वियना कांग्रेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और पुनः पुनः मुशोको भव, फिर से वही स्थिति आ गई जो 1789 के पहले थी। फिर से राजा स्वेच्छाचारी हो गया, फिर से राजा निरंकुश हो गया और जनता अब फिर से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। जब जनता बहुत ज्यादा त्राहिमाम करेगी, जब शासक वर्ग बहुत निरंकुश हो जाएगा, जब स्वेच्छाचारिता चरम पे चली जाएगी, तो स्वाभाविक है कि क्रांति होगी और क्रांति हुई। 1830 में हम देखते हैं कि क्रांति हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये क्रांति के क्या कारण थे। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स दसवें की नीति। हमने देखा कि वियना कांग्रेस में किस तरह से बोर्बो वंश को पुनः प्रतिष्ठित किया गया था। अब चार्ल्स दसवें यहां पे राजा थे फ्रांस में, जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी थे। जब ये गद्दी संभाले तब इन्होंने चार्ल्स 18 का जो नियम था, एक चार्टर बनाया था, उसने शपथ ली कि इसी के अनुसार मैं काम करूंगा। लेकिन वह ऐसा नहीं किया। वह जब राजा बना तो उसकी जो स्वेच्छाचारिता थी और उसकी निरंकुशता थी वह चरम पर पहुंच गई। वह पक्का राजतंत्र समर्थक था, वह पक्का कुलीन तंत्र समर्थक था। इसके कारण हम क्या देखते हैं कि फ्रांस में फिर से वही व्यवस्था हो गई, वही कुलीनों का प्रभाव पड़ गया, राज परिवारों का प्रभाव पड़ गया और आम जनता, किसान हो, मजदूर हो या मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग को, इनका महत्व कम हो गया। यह जो प्रतिक्रियावादी नीति थी चार्ल्स दसवें की, यह क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनी। अब हम बात करते हैं चर्च का प्रभुत्व। हमने देखा था 1789 के क्रांति के समय चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया था। अब पुनः चर्च को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। चर्च की भूमिका उतनी ही अहम हो गई, शिक्षा पर चर्च का अधिकार हो गया, हर सामाजिक कार्यकलाप पर चर्च का अधिकार हो गया, यूनिवर्सिटी पे चर्च का अधिकार हो गया। कहने का मतलब कि चार्ल्स दसवां जो था वह पूरी तरह से समर्पित था अपने कैथोलिक धर्म के प्रति। अगर कोई भी धर्म विरोधी बात करता तो उसके लिए भयंकर सजा थी, उसे मृत्युदंड दी जाती थी। कैथोलिक धर्म के बारे में कोई बोल नहीं सकता था। इसके अलावा देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े पद थे उस पर भी धर्म के नाम पर नियुक्ति हो रही थी। राजा धर्म के प्रति इतना समर्पित था कि अगर पोप कह देता कि तुम राजगद्दी छोड़ दो तो वह राजगद्दी छोड़ देता। कहने का मतलब ये चार्ल्स 10th जो था वह महाधर्म भीरु प्राणी था। वह धर्म, मान लो कोई ये है पर्व त्योहार है ईसाई धर्म का, उसे वह राज धर्म के रूप में ले लेता था। कितनी बार जो ईसाइयों का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें आगे बढ़ करके चार्ल्स दसवां नेतृत्व करता था। तो यह सब अब के समय में जब लोगों में एक नई जागरूकता आ गई थी, लोगों में एक नए सिद्धांत का डेरा हो गया था लोगों के दिमाग में, तो ऐसे समय में फिर वही दकियानूसी बात, फिर वही परंपरावादी बात, फिर वही धर्म भीरुता वाली बात लोगों को पसंद नहीं आने लगी। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनी फ्रांस में क्रांति का। देश में धन की बर्बादी कैसे होने लगी? एक तो राजा का विलासी प्रवृत्ति, आराम, बहुत अधिक भोग विलास में डूबे रहना, खाना पीना पहनना ओढ़ना रहना सहना सब कुछ जिसमें से पैसे बह रहे हैं उस तरह की। दूसरी बात, उनका ध्यान गया कि हमारे यहां जिन कुलीनों का धन क्रांति के समय ले लिया गया था, जिन चर्च का की जमीन ले ली गई थी,
उन सबको पुनः लौटाया जाए। और इसके लिए उसने यह एक अभियान शुरू किया। वह उसे दे नहीं सकता था, जिसे दे दिया गया उसे छीन के वो दे नहीं सकता था। उसे देने के लिए उसने तरह तरह के रास्ते अपनाए और राजकोष से उन कुलीनों को, उन राजपरिवार के लोगों को लाभान्वित किया जाने लगा। उसने एक बहुत बड़ी गलती क्या की कि जो पैसे लोग बैंक में रखते हैं, इंटरेस्ट मिलने के लिए हम रखते हैं बैंक में, भाई हमें इंटरेस्ट मिलेगा, अभी इतना पैसा रख देते हैं, 5 साल के बाद हमें इतना मिलेगा, भविष्य के लिए लोग पैसे रखते हैं, उस समय भी रखते थे। जो 5% ब्याज दिया जाता था आम जनता को, अब वो घटा के 3% कर दिया गया। ये तो लोगों के लिए बड़ी नाइंसाफी थी, लोगों के मन में ये बात बिल्कुल मन लोगों को रास नहीं आई, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया। क्रांति के सिद्धांत की अवहेलना। क्रांति के सिद्धांत क्या थे? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इसके घोर आलोचक थे, इस सिद्धांत के घोर आलोचक थे ये चार्ल्स दसवें, और इनका जो मंत्रिमंडल था, जो इनके समर्थक थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि देश में समानता वाली कोई लहर चले, स्वतंत्रता का कोई बात करे, ना बंधुत्व वाली बात हो। यह बिल्कुल गलत था उनके हिसाब से। उनके हिसाब से बस जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग हैं, विशेष सुविधा संपन्न लोग हैं, उनकी तुलना आम जनता नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें आम जनता को बहुत खल रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का टेस्ट चखा था, उसका स्वाद चखा था उसने, और फिर से वही पुराना राग गाना बहुत मुश्किल था। अब वो पुनः एक नई नीति, जो क्रांति का सिद्धांत था, उसको लेकर चलने लगे। बहुत सारे जो सुधारक थे, इन्होंने बहुत बार अच्छे अच्छे प्रस्ताव रखे, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो सुधारवादी थे या उदारवादी थे, इनकी बातों को राजा की तरफ से कोई महत्व नहीं दिया गया, और यह एक बहुत बड़ा कारण बना। उदारवादियों का प्रभाव ऐसा रहा कि उदारवादी जो है यह देश में लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का स्वाद चखा था, और ये जागरूक कर रहे थे लोगों को कि हमें अपने को कैसे रखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उदारवादियों का प्रभाव इतना था कि जब चुनाव हुआ, जब मताधिकार हुआ, तो ये बहुत अधिक संख्या में चुने गए। यह देख करके चार्ल्स दसवां जो है वो डर गया, बल्कि उसने एक बार तो प्रतिनिधि सभा को भंग भी कर दिया, दूसरी बार फिर से चुनाव हुआ, और दूसरी बार भी वही हाल हुआ। उदारवादियों को बहुत अधिक बहुमत मिला, उनकी सीट बहुत अधिक मिली। अब हम बात करते हैं तात्कालिक कारण की। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो विस्फोट करने में सबसे बड़ा काम करते हैं, चिंगारी के समान होते हैं। होते तो चिंगारी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा काम कर जाती है। बारूद का ढेर लगा हो, उसमें बस एक चिंगारी चाहिए, और चिंगारी चार्ल्स दसवें के तरफ से फेंक दी गई। वो क्या चिंगारी थी? चिंगारी थी कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1830 ईस्वी में जब लोग अपनी मानसिकता को बहुत बड़ा कर चुके थे, उनकी सोच, उनका विचार, उनकी हर चीज, मानसिक स्थिति उनकी बहुत ही ब्रॉड हो गई थी, उस समय अगर कहा जाए कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दो, तो यह बुद्धिजीवियों के लिए या वहां की जनता के लिए बहुत खलने वाली बात थी। यह एक बहुत बड़ा कारण बनी। दूसरी बात क्या, जैसा कि मैंने बताया उदारवादियों का प्रभाव था, चुनाव हुआ था, प्रतिनिधि सभा बनी थी, लेकिन चूंकि प्रतिनिधि सभा में उदारवादियों की संख्या अधिक थी, तो क्या किया गया, इसे भंग कर दिया गया। ये बात तो अच्छी नहीं लगेगी उदारवादियों को, जनता को। अब आगे
आगे उसने क्या किया, ये जो चुनाव करने की जो प्रक्रिया है उसमें मताधिकार का प्रयोग कौन कर सकते थे, उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया वह भी ऐसा था जो आम जनता को, बुद्धिजीवियों को दूर रखता था, क्योंकि ऐसा बना दिया गया क्राइटेरिया कि जिसके पास इतना धन हो, जिसके पास इतनी जमीन हो, जिसके पास इतने जागीर हो, तो इस तरह से जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें अधिकांश लोग किनारे हो गए और मताधिकार देने वाले जो व्यक्ति थे वह बस कुलीन परिवार से, रईस परिवार से, राज परिवार से ही आने लगे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। और एक कारण बना कि ये जो प्रतिनिधि सभा बनेगी चुनाव के बाद, अब इसका कार्यकाल 5 साल नहीं 6 साल होगा, तो ये चारों एक प्रकार से तात्कालिक कारण के रूप में सामने आई और फ्रांस में क्रांति हो गई। क्रांति हो गई। अब क्रांति कब हुई, किस दिन हुई? 27 जुलाई 1930 में। किसी को भी जरा भी अनुमान नहीं था कि जनता सामने आमने हो जाएगी, सैनिक के सामने जनता हो जाएगी। और 27 जुलाई को अचानक सैनिक के साथ आम जनता की भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत जो थी वो ऐसी थी कि इसमें सैनिक जो है वो तोप भी नहीं चला सके, इसमें जनता ही इतनी प्रभावशाली स्थिति में थी कि 28-29 तारीख को क्या हुआ कि सैनिक जो थे, राजा के सैनिक, वो भी आम जनता से आकर मिल गए। और इस तरह से हम देखते हैं क्रांति हो गई। किसके खिलाफ? चार्ल्स 10वें के खिलाफ, कि ये प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। उसे भागना पड़ा चार्ल्स 10वें को, और 31 जुलाई को जो है वह अपने पोते को वहां राजगद्दी पर बैठा करके भाग गया अपनी जान बचाकर। इस तरह से यह क्रांति हो गई। अब हम बात करेंगे कि क्रांति होने के बाद क्या उसका पोता ही बैठा रह गया जो 10 साल का था? नहीं, वहां पे ओलियंस वंश के शासक लुई फिलिप को राजा बनाया गया, वह बुर्बो वंश का नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं फ्रांस में जो 1830 की क्रांति हुई, इसने फ्रांस को फिर से एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम बात करेंगे कि हमने कहा कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी फ्रांस के इतिहास में, तो कैसे इसका प्रभाव कुछ खास रहा होगा तभी ये महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसका प्रभाव भी, इस क्रांति का प्रभाव भी बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ। इसका प्रभाव हम देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रांस। फ्रांस में हम क्या देखते हैं? बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया, ऑर्लियंस वंश का शासक लुई फिलिप गद्दी पे बैठा। अब वो सिद्धांत, राजा का दैवी अधिकार का सिद्धांत, वह खत्म हो गया। अब ऐसा हुआ कि आप ईश्वर की इच्छा से और पब्लिक की इच्छा से, जनता की इच्छा से गद्दी पे बैठे हुए हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे चलना है। दूसरी बात कि फ्रांस में जो यह घटना घटी इसमें उदारवादियों का या आम जनता का प्रभाव का पता चला कि वो कितने, उनमें कितनी ताकत है, वो कितने प्रभावशाली है कि वह अपने शक्ति से, अपने दिमाग से वह एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक को अपने बल पे हटा सकते हैं। उन्हें अपने बल का एहसास हुआ, यह एक बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया पे क्या प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि देखें कि किस तरह 1815 में जब वियना कांग्रेस हुई थी, वियना सम्मेलन हुआ था, उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो कितना प्रभावपूर्ण स्थिति में था। उसने किस तरह से क्रांति के सिद्धांत को निरस्त कर दिया कि ये नेपोलियन का, ये फ्रांस की क्रांति का ये जो सिद्धांत है इसको उधर फेंको और पुनः
वही व्यवस्था को लागू करो, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के निरंकुश राजा हो, स्वेच्छाचारी राजा हो और वह शासन चलाए, उसके अनुसार राज्य चले। मेटरडिक ने वही व्यवस्था कायम की थी। क्या देख रहे हम कि पुनः मेटरनिक ने जो यह व्यवस्था को पुनः लागू किया था, फिर से उसके खिलाफ ये क्रांति हो गई। यह एक बहुत बड़ी बात थी। लुई फिलिप को जब बैठाया गया गद्दी पे, जो गोदबो वंश का नहीं था, इस बात को लेके ऑस्ट्रिया को लगा कि इस बात पे तो बहुत रूस हो या इंग्लैंड हो या प्रशा हो, सभी लोग आएंगे और लुई फिलिप को हटा देंगे और पुनः गोदबो वंश के राजा को यहाँ बैठा देंगे। ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जिस समय ये क्रांति हुई उस समय इसका प्रभाव उन सारे देशों पे था और हर देश में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। हर जगह विद्रोह और हर जगह अशांति का माहौल था, जिसके कारण किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि लुई फिलिप वहां बैठा है, कि अब गोदबो वंश वहां से चला गया और ऑस्ट्रिया बेचारा देखता रह गया। तो ऑस्ट्रिया इस तरह से प्रभावित हुआ। अब हम बात करते हैं इटली की। हम देखते हैं कि किस तरह इटली को नेपोलियन ने एक बनाने की कोशिश की थी, एक संघ बनाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह इटली को फिर से मेटरनिक ने 29 भाग को जो है ये किया और उसमें अपना वो अध्यक्ष बना, और जो उसके बाद उपाध्यक्ष अगर हम कहें तो उसे प्रशा को बना दिया गया। तो ये जो बात थी, ये इटली के उन छोटे छोटे राज्यों को पसंद नहीं आई। जब उसने देखा कि 1830 में ये क्रांति हुई है, वह भी पुराने उन सिद्धांतों को, जो क्रांति के सिद्धांत थे उसको लेकर के वह भी जो है वहां विद्रोह करने लगे। और हम देखते हैं कि मैडोना का जो शासक था वो भाग गया जब वहां विद्रोह होने लगा। पाल्मा में जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी वो वहां से भाग गई, मारिया जो थी वो वहां से भाग गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इटली में भी एक नव जागरण आने लगा और वह भी ऑस्ट्रिया और प्रशा से मुक्त होने की कोशिश करने लगा। अगर हम कहें तो इसका परिणाम ही था कि मेजनी जो है वह उसका उदय हुआ और उसने इटली को एकीकरण करने के लिए जो प्रयास अपना था वह शुरू किया। जैसा कि हम जानते हैं कि उसने गुप्त संस्थाएं बनाई थी और उसके द्वारा उसने यंग इटली बनाई थी और एक बनाया था फेमस याद नहीं आ रहा है, वो बनाया गुप्त समिति और उसके द्वारा उसने इटली को जो एकीकरण है उसके काम में आगे किया। जितने भी 40 साल के अंदर के युवा थे वह उसके संस्था के सदस्य बने और वहां उसने एक शिक्षा, एक जागरूकता, एक राष्ट्रीयता की भावना फैलाई। क्या परिणाम इसी का था, 1830 ईस्वी की क्रांति का परिणाम था कि मेजिनी ने ऐसा काम किया। अब हम बात करेंगे बेल्जियम। हम जब वियना कांग्रेस हमने पढ़ा है तब आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस की शक्ति को कम करने के लिए क्या किया गया था, हॉलैंड और बेल्जियम को एक करके फ्रांस के उत्तर में ये सब देश है वहां रख दिया गया था कि ये दोनों को एक मजबूत देश बना के रख देंगे तो फ्रांस आगे बढ़ नहीं पाएगा, एक मजबूत देश उसके पास खड़ा रहेगा तो वह अपना हाथ पैर नहीं मार पाएगा। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि बेल्जियम और हॉलैंड दोनों में बहुत अंतर था। बेल्जियम के लोगों की भाषा, उसका धर्म, उसका रहन सहन, हर मामले में वो अलग थे। दोनों को जब मिला दिया गया तो दोनों को ये बात हजम नहीं होने लगी। बेल्जियम में बहुत सारे लोग थे, अधिक उसकी संख्या थी, बेल्जियम की संख्या बहुत अधिक थी और हॉलैंड के जो डच होते हैं उनकी संख्या कम थी। लेकिन क्या देखा जाता था कि डच जो है वही वहां पे बहुत ज्यादा पावर में है। प्रतिनिधि सभा में डच की संख्या अधिक है, जबकि संख्या के हिसाब से देखी तो बेल्जियन लोगों की संख्या अधिक थी।
किसी भी सरकारी बड़े बड़े अधिकारी पद पे बेल्जियन डच लोग ही बैठे रहते थे। कहने का अर्थ यह है कि डच और बेल्जियन दोनों आमने सामने थे। उन्हें लगता था कि बेल्जियन को लगता था कि डच उनके अधिकारों का हनन करते हैं और डच भी जो है वो अपने आप को सुपर समझते थे। ऐसी स्थिति में वियना कांग्रेस में जो उत्पटांग काम किया गया था उसे विद्रोह के द्वारा यहाँ प्रदर्शित होने लगा। अब बेल्जियम के लोग जो है विद्रोह करने के हम अलग होंगे और अंततः वह अलग हो गए। यही बहुत बड़ी बात थी। जर्मनी की बात करें, जर्मनी में भी हमने देखा कि किस तरह जर्मन संघ बना और किस तरह राइन संघ बनने के बाद जो है नेपोलियन ने वहां जो राष्ट्रीयता की भावना फैलाई थी उसे पुनः मेटरनिख ने पीछे कर दिया था, वो सब निरस्त कर दिया था। पुनः जर्मनी में भी एक क्रांति स्वतंत्रता की भावना आने लगी और वह भी जो है सो हाथ पैर मारने लगा, वहां भी विद्रोह होने लगा। ये अलग बात है कि इन विद्रोहों को बहुत ही बेदर्दी के साथ दबा दिया गया, चाहे इटली में हो चाहे जर्मनी में हो, विद्रोहों को दबा दिया गया। लेकिन विद्रोह को आप दबा सकते हैं, किसी की सोच को नहीं दबाया जा सकता है। तो इनकी सोच को नहीं दबाया गया था, इनमें जो भाव था उसे नहीं दबाया गया। फलतः जर्मनी का एकीकरण जो बाद में हुआ उसमें इसकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। पोलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? पोलैंड एक बहुत बड़ा देश था, एक जमाना था जब रूस से भी ज्यादा पावरफुल बड़ा पोलैंड था। लेकिन अभी हम उसके बाद भी बहुत चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं 18वीं सदी में। हम देखते हैं कि किस तरह वियना कांग्रेस जब हुआ तब पोलैंड को एक प्रकार से रूस के द्वारा एक स्वतंत्र जगह बन दिया गया, उसका अलग संविधान, उसकी अलग प्रतिनिधि सभा, उसका सब कुछ अलग किया गया। लेकिन पुनः पोलैंड जो है वह रूस के अधीन आ गया और पोलैंड में भी रूस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, वह भी रूस से अलग होने के लिए हाथ पर मारने लगा। खासकर जार अलेक्जेंडर जब आया तब उसने पोलैंड को एक प्रकार से रूस में मिला लिया, उसकी सेना को अपने यहां मिला लिया, अपनी जो रशियन भाषा है वो पोलैंड पे थोप दी गई। ये सब बात पोलैंड को अच्छी नहीं लगी और वह रूस के खिलाफ वह भी विद्रोह करने लगा। और प्रेरक तत्व कौन था? ये 1830 का फ्रांस का विद्रोह या क्रांति। पुर्तगाल में भी हम देखते हैं कि किस तरह नेपोलियन ने अपना प्रभाव छोड़ा था, पुनः पुर्तगाल में ले आया, वहां से हट गया नेपोलियन का जो वंशज था, फिर से वो पुराना शासन आ गया था। लेकिन विद्रोह के बाद जो है पुर्तगाल में भी एक जागरूकता आ गई और राजतंत्री व्यवस्था को हटा दिया गया, यहाँ पे एक अलग शासिका बनी। और इसने भी जो है चूंकि यहाँ भी बहुत विद्रोह होने लगे थे तो उसे संभालने में, उसे उदारता के साथ उसे सेट करने में उसने बड़ा काम किया। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में हम देखते हैं कि किस ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो आए थे वियना कांग्रेस में, वह भी मेटरनिख के समर्थक थे, उसने भी अपने यहाँ जो कठोर नीति, प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई थी उससे यहाँ के लोग भी परेशान हो गए थे। और जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लोगों में जो है एक जागरूकता आ गई थी स्वतंत्रता के प्रति, जो बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था, बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था एक प्रकार से, उसके खिलाफ यहाँ पर भी विद्रोह होने लगा, जागरूकता आई। और चूंकि 1830 का यह भी बहुत बड़ा प्रभाव था। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में भी एक तरफ बहुत अमीर आदमी, एक तरफ गरीब आदमी। अमीर आदमी दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे थे, उनकी पूंजी लग रही थी, वो अपनी पूंजी से कमा रहे थे। दूसरी तरफ गरीब लोग जो है बस पूंजीपति की सेवा करके उन्हें अमीर किए जा रहे थे। अमेरिका तक इस क्रांति का असर गया, उसका प्रभाव गया और अब यहां भी अपने अधिकार के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह होने लगा।
तो इस तरह से हम कहते हैं, यह अलग बात है कि मैक्सिमम जगह में विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इस विद्रोह का परिणाम जो है बाद में देखने को मिला बहुत बृहद रूप में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह 1789 की जो क्रांति थी, फ्रांस की राज्य क्रांति, जितनी महत्वपूर्ण थी उससे कम महत्वपूर्ण 1830 की क्रांति नहीं थी। और हम देखते हैं 1830 से लेके 1848 तक यूरोप में क्रांति का ही दौर चलता रहा, हर जगह कहीं ना कहीं क्रांति फूटती रही और उसका प्रभाव आम जनता से लेकर देश पर पड़ता रहा। लुई फिलिप जो है वह भी 1848 तक फ्रांस का राजा बना रहा, और इस तरह से यह जो क्रांति है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसके साथ ही आज मैं यहाँ इस चैप्टर को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।